भारतीय क्रिकेट जगत के लिए रविवार को एक दुखद खबर सामने आई। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का 88 साल की उम्र में 2 अप्रैल की सुबह गुजरात के जामनगर में निधन हो गया। वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। क्रिकेट जगत से जुड़े कई दिग्गजों के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के दिग्गज थे, अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैदान पर और मैदान से बाहर वो अपनी शैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से आहत हूँ। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला और मैं उनके बहुमुखी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निश्चित रूप से उनकी कमी खलेगी। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने एक ट्वीट में अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारत के सबसे रंगीन क्रिकेटरों में से एक सलीम दुर्रानी, उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। बता दें कि 1960 से 1973 के युग में दुर्रानी ने गेंद को स्टैंड में उड़ते हुए भेजने की अपनी शुद्ध क्षमता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्रानी 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत का हिस्सा थे, जहां उन्होंने अंग्रेजी टीम के खिलाफ 8 विकेट लिए थे। वो एक हरफन मौला खिलाड़ी थे और उनमें बल्ले या गेंद से खेल को खत्म करने की अनोखी क्षमता थी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।